हेलो गाइस, वेलकम टू स्पाइस्टर। और आज की छोलर दाल और मिलेट की रेसिपी में हम जल्दी से सबसे पहले मिलेट्स बना लेते हैं। इसके लिए हम 8 से 9 टेबलस्पून बार्नयार्ड मिलेट्स लेंगे। हिंदी में इसको समा के चावल भी बोलते हैं। उसको हमने धोकर आधा घंटा भिंगो कर रखा है। अब हम एक पैन में पानी, मिलेट, नमक और जीरा डालकर हाई फ्लेम पर छोड़ देंगे। एक बार अच्छा बॉयल आ गया तो फ्लेम को आप स्लो कर लीजिए। फिर एक टाइम पर आपको दिखेगा कि मिलेट थोड़ा सा खिला खिला और खुला खुला हो गया है। दैट मीन्स आपका मिलेट अब रेडी है। अब इसको स्ट्रेन करके ठंडा होने दीजिए और रख लीजिए। अब हम अपने चना दाल पर आ जाते हैं। एक कप चना दाल को भी मैंने धोकर हाफ एन आवर सोक करके रखा है और इसको भी स्ट्रेन कर लेंगे। अब इसका एक बहुत ही स्पेशल मसाला बनता है, जिसमें हम 3 छोटी इलायची के दाने, थोड़ी सी दालचीनी और 2 लौंग को पीस कर मसाला बनाएंगे। अब एक स्लो फ्लेम पर एक कुकर में हम 1 टेबलस्पून घी डालेंगे। उसमें हम तेज पत्ता, जो मसाला बनाया है उसको, धनिया पाउडर को डालकर हम इसे हल्का सा चला लेंगे। अब जल्दी से हम इसमें चना दाल और पानी को डालेंगे ताकि मसाला जो है वो जल ना जाए। अब इसको हम एक छोटी स्पून शुगर डालेंगे, नमक डालेंगे और हल्दी भी डालेंगे और फिर इसे 4 से 5 विसल तक कुक होने देंगे। दाल की जान है इसका तड़का, जो इसको बहुत ही टेस्टी बना देता है। वैसे जो मसाला हमने पीसा था वो तड़के में पड़ता है, पर मैं हमेशा उसको पहले डाल देती हूँ ताकि उसका पूरा फ्लेवर चना दाल में अच्छे से आ जाए। स्लो फ्लेम पर हम तड़का बनाएंगे। उसमें हम घी, फ्रेश स्लाइस्ड कोकोनट, स्लाइस्ड गार्लिक, स्लाइस्ड ग्रीन चिलीज, चॉप्ड 6 to 7 काजू, जीरा और 2 से 3 खड़ी डीसीडेड और 1 चम्मच पिसी कश्मीरी लाल मिर्च, दोनों को डालकर अच्छे से चला लेंगे। तड़का दाल में मिक्स करके हम इसको सर्व करेंगे। वैसे तो छोलर दाल पूरी या राइस के साथ सर्व की जाती है, पर सच में दाल और मिलेट का भी कुछ अलग ही रिश्ता है। ये हेल्दी भी हो जाता है और टेस्ट पर भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। प्लीज़ ट्राई करिएगा और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करके हमें और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ बनाने के लिए मोटिवेट करते रहिए। गुड बाय।